महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज प्रांगण में प्रारंभ हुई बैठक की अध्यक्षता डीके गुप्ता ने की तथा संचालन संस्था के सचिव कामेंद्र सिंह ने की। संस्था के महासचिव एसपी सिंह ने बैठक में बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बसंत पंचमी पर नई फसल आती है, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल की फसल आती है। बसंत रखने के 40 दिन बाद ही होली का पर्व आता है। बसंत ऋतु होने के कारण सनातन धर्म प्रेमियों में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। बैठक में सीनियर वेलफेयर सोसाइटी में इसके अलावा समाज के उत्थान के लिए भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक में मुख्य रूप से संस्था के पदाधिकारियों के साथ सीनियर सिटीजन भी उपस्थित रहे। सर, क्या प्रोग्राम चल रहा है? क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की आम बैठक है। इस महीने फरवरी बुलाई गई है। मैं डीके गुप्ता इसका अध्यक्ष रिटायर्ड आई हूँ। हमारे साथ में सुभाष गुप्ता जी खड़े हैं, उसके कुछ अध्यक्ष हैं। आज हम बैठक में अगले महीने अयोध्या यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं। उसके अलावा जो विशिष्ट लोग हैं उनकी जयंती भी मनाई जा रही है। चर्चा हम आपस में करेंगे कि किस प्रकार से देश आगे बढ़े और किस तरह से हम उन्नति करें। मुद्दे मेनली एक तो अयोध्या की हम यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं सब मेंबर्स का, उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा स्वामी दयानंद जी सरस्वती की जयंती एवं अन्य विशिष्ट लोगों की बारे में इसमें चर्चा होगी। किस समय तक चलेगा प्रोग्राम आपका? हमारा इस बार 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसके लिए भी हम एक सुंदर कार्यक्रम करेंगे। उसकी भी तैयारी पर हम चर्चा करेंगे, किन्हें बुलाएं और किस प्रकार से हम 25 वर्ष पूरे करने पर हम अच्छा कार्यक्रम करेंगे।